नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 26 का अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर हम 5th तक के ही बताए थे। क्वेश्चन नंबर वो 6 का बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 का ना 12 पार्ट है, 13 है, टोटल 13 क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को हम अब देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्टराइज। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो देखिए इसमें से हमें क्या x कॉमन अगर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 8y। अब इसको हमें क्या करना होगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा। देखिए ये तो हमारे पास x हो गया बाहर, यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखिए ये होगा 1 माइनस, अब y का क्यूब है तो हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 है तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2y का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो फॉर्मूला a का भी हम क्यूब बना देते हैं अपने मन से, क्योंकि a को जितने बार भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा, तो हमें हमारे पास फॉर्मूला मिला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे हमें इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है, तो देखिए a की जगह पे 1 को मानिए तो 1 माइनस 2y इंटू, और ये x से पहले से तो x का लगा दीजिए, ठीक है, तो 1 माइनस 2y इंटू ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 1 मल्टीप्लाई 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो ये जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th हमारे पास बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7th है वो है x के पावर 6 माइनस 64 के पावर 6। अब 7th को हमें क्या करना होगा, तो देखिए आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं कि इसमें ज्यादा जगह बचती है। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x, ये क्वेश्चन है यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के पावर क्यूब का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 64 है ना, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64, तो इसको हम लिखेंगे 4y का होल क्यूब, इसको अंदर भी डबल ब्रैकेट के साथ, इसको क्या हो जाएगा, ये इसका होल क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ तक के आपको समझने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि x के पावर 6 था तो हमने क्या किया, क्यूब और 2, तो 3 2 6, यहाँ भी 64 था तो 64 को हम लिख सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 64, तो हम इसको बराबर 4 का क्यूब लिख दिए। जैसे ही हम 4 का क्यूब लिख दिए तो y के पावर क्यूब हो गया और ये हो गया ये दोनों का। यहाँ पे अब एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्यूब को अब ना, और ये क्यूब को मन से हटा दीजिए कि ये क्यूब है,
इसको सिर्फ सिंपल सा बात मानिए कि ये ए है, तो अगर हम इसको ए माने या इसको बी माने तो यहाँ पे हो जाएगा पावर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस, तो हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस। जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देते हैं। तो देखिए ए प्लस बी यानी ए के जगह पे हमने कितना माना है एक्स क्यूब प्लस फोर वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर और ये हो जाएगा बाई फोर बाई का होल क्यूब, क्योंकि क्यूब में है ना हमारे पास अंदर में, तो ए प्लस बी इंटू अब ए माइनस बी, तो हम एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखेंगे फोर बाई का। अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए ये तो सिंपल रह जाएगा, ये यही रह जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब या ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। अब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि आंसर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या दे रखा है, इसको भी तोड़ा है या हमें सिर्फ एक ही को तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो दोनों को देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू एक ये हो गया एक हो गया ए क्यू माइनस, दोनों को अलग अलग तोड़ के देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए हमारे पास a प्लस बी है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये तो हमारे पास ये है और ये हम इसको फैक्टर करेंगे, अब इसको भी a मान लीजिए इसको b मान लीजिए इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ठीक है ये तो आपका फॉर्मूला है और ये आपका फॉर्मूला है जो ये आया है, ठीक है इस फॉर्मूले को एक डब्बा में बनाकर। अब हमारे पास बचा क्या एक्स क्यूब प्लस फोर बाई का होल क्यूब, यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस फोर बाई का होल क्यूब, चल दिए अब यहां पे चलते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा एक्स प्लस बी के जगह पे कितना फोर बाई इंटू ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी तो ये आज हो जाएगा फोर एक्स बाई, ठीक है प्लस फोर बाई का होल स्क्वायर तो फोर फोर जा सिक्सटीन बाई स्क्वायर, फोर जैसे बी का स्क्वायर है ना तो फोर फोर जा सिक्सटीन बाई स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं ये वाला जो हमारे पास था, तो यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस का बी, तो x माइनस फोर बाई इंटू देखिए एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस होगा ना इसमें, इसमें हमारे पास ए बी प्लस नहीं है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये फोर एक्स वाई प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है, ठीक है यही आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, ये पहले सिक्स पावर था तो हमने क्यूब और स्क्वायर के पावर में तोड़ लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको अलग कर दिए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब प्लस फोर बाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस फोर बाई का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे तोड़ दिए तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
वैसे ही अब इस फॉर्मूले पे हमने है एक्स क्यूब प्लस फोर वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस फोर वाई का होल क्यूब। जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का है, सेवन के बाद एट है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको बस ध्यान से एक दो बार रिप्लाई करके देखते रहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कौन सी सेवन, तो क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 27/8 वाई क्यूब, और उसके बाद हमारे पास नाइन्थ है, ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये तो है एट, एक्स क्यूब प्लस 27/8 वाई क्यूब, और ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सही है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर और ये बाई क्यू, सही है, और प्लस का बाई क्यू है जी। हमारे पास ये भी है क्यूब और ये बाई क्यूब, लेकिन ये हमारे पास क्यूब में नहीं है ना, हमें इसको भी क्यूब बना देना है, तो ये हमारे नियम को फॉलो कर जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस, इसको हम लिखेंगे थ्री, देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, थ्री गुने थ्री गुने थ्री, तो थ्री का क्यूब हो गया ये, और ऐसे ही एट को लिखेंगे टू गुने टू गुने टू, टू वाई का। अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, इस पर इसको सॉल्व कीजिए, तो ये देखिए ए प्लस बी एक्स प्लस थ्री बाई टू बाई इंटू एक्स ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू थ्री बाई टू बाई ए बी, ए एक्स है और थ्री अपॉन में टू बाई प्लस बाई स्क्वायर, तो थ्री अपॉन में टू बाई का फोर। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री अपॉन में टू बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन में टू एक्स वाई प्लस थ्री थ्री जा नाइन अपॉन में फोर वाई का स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए इतना में हो ही जाएगा, नहीं तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई। देखिए सिंपल सा है, फैक्टर हमारे पास दे रखा है, सिर्फ कॉमन कॉमन निकालना है, फैक्टर हमारे पास दे रखा है और सिर्फ कॉमन कॉमन हमें निकालना है। तो देखिए इसमें से हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे कॉमन है, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा माइनस का वाई। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे ही माइनस कॉमन, तो यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ भी है वाई क्यूब, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस कॉमन निकाले तो यहाँ पे एक्स और ये माइनस का वाई, ये और ये आपके पास सेम हो गया। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या एक मिला, एक्स माइनस का वाई मिला, ठीक है, और एक मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां पे मिला एक्स माइनस का वाई, तो हमें क्या करना होगा, इसको भी तोड़ना होगा, तो यहां पे लिखना होगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस का वाई, ठीक है।
यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस का वाई इंटू एक्स प्लस का वाई, और ये होता है एक्स माइनस का वाई। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, 10 भी हमारे पास अच्छा ही है तो 10 पे चलते हैं। तो इसको पहले मिटाना होगा। बस वीडियो को ना एक बार दो बार रिपीट करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने भी क्यूब वाले फॉर्म हैं थोड़ा सा समझने में तो परेशानी आती है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9th हो गया हमारे पास, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो 10 लिखें, 10 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, 8x³ + y³ - 6xy, ठीक है, +1, ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास एक क्यूब, ठीक है, 8x³ + y³ - 6xy + 1, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन को समझ तो गए, लेकिन अब हम करें क्या? तो देखिए सबसे पहले हम क्यूब बनाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2x³ + y³। ये देखिए प्लस है ना, तो +1³ - अब यहां से हमें ये मिला कि a³ b³ c³, यहां पे आप देखते हैं 3a b और c, यानी ये हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ a³ - b³ - 3ab c, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पहले लिखना होगा कि a³ + b³ - 3abc = होता है a² + b² + c² - ab - bc - c। ये होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे हम इसको बैठा देते हैं, ठीक है। तो देखिए a + b + c, तो इसको ab c मान लीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x + y + 1 * a², तो 2 × 4x² + b², तो y² + 1² - ab, तो माइनस हो जाएगा 2xy - ab, तो 2x और y - bc, तो bc कितना है y × 1, और -ca, तो c हमारे पास 1 × 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x + y + 1 × 4x² + y² + 1 - 2xy - y, और - यही इसका क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं। 11 से देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, 11th मतलब 11th, 12th और 13th, बस नहीं 11th और 13th बिल्कुल सेम प्रोसेस पे हैं, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस समझना है। देखिए अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी मान ले, तो यहाँ पे देखिए a³ + b³ + c³, ठीक है, -3ab c = यहाँ पे होता है a² + b² + c² - ab - bc और - c।
ये कंडीशन ये कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी है ना, जहां वेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो, ए प्लस बी प्लस अगर ये जीरो हो जाता है तो आप सोचिए कि ये अगर टोटल जीरो तो जीरो मल्टीप्लाई ये तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो ये कंडीशन यही कहता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो तो जीरो का मल्टीपल जीरो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ये माइनस का इधर जाके प्लस में थ्री ए बी सी, ठीक है। अब जो हम ए बी सी माने हैं उसको ऐड करके देख लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन ये था ना एक्स माइनस टू वाई का होल प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड का होल क्यूब प्लस थ्री जेड माइनस एक्स। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो रहा है इस पे आप देखिए तो x प्लस टू वाई माइनस टू वाई प्लस माइनस टू वाई ये माइनस टू वाई सॉरी ये प्लस टू वाई है ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस का टू वाई माइनस का थ्री जेड प्लस थ्री जेड माइनस एक्स, ये यहाँ से कैंसिल ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल बराबर जीरो। तो इसके बराबर जो वैल्यू आएगा वो आएगा थ्री इंटू ए की वैल्यू कितना है एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड और थ्री जेड माइनस एक्स, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा थ्री इंटू एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड और थ्री जेड माइनस एक्स, ये इसका ठीक है। सेम जो क्वेश्चन है 13 को भी इसी पैटर्न पे करना है और 13 भी यही क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आएगा तो 13 का हमें बता दीजिएगा, हम 13 और क्वेश्चन नंबर 12 भी बता देंगे, ठीक है। एक बार कमेंट में बता दीजिए कि हमें 12 और 13 भी चाहिए तो भी बता देंगे, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 27 28 पे चलेंगे।